रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। हम आपको बता दें, इसमें गोला बारूद, तोपखाना, राउंड और हवाई युद्ध सामग्री भी शामिल है। नया सुरक्षा सहायता पैकेज आपको बता दें 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सुरक्षा सहायता की घोषणा करते हुए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सहायता कीव को मॉस्को के हमले को विफल करने में मदद करेगा। एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि आज संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के बहादुर लोगों के समर्थन के लिए 27.50 करोड़ के हथियार और उपकरणों को देने की घोषणा कर रहा है। हम रूस की आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बहादुर यूक्रेनी रूस की आक्रामकता के खिलाफ अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। इससे पहले 15 मई को भी अमेरिका ने यूक्रेन को मदद दी थी। दो दिवसीय कीव यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने अपने अंतिम कार्यक्रम के दौरान कहा था कि बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मध्यम से दीर्घकालिक विदेशी सैन्य वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी है।